अमृतसर के ग्वालमंडी इलाके में 11 और 12 की मध्य राति को एक महिला का कत्ल हो गया था। उस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम दीपक बताया जाता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये महिला अकेली रहती थी और उसको पता था कि इसके घर में कुछ सोना भी पड़ा है और पैसा भी होता है, इसीलिए लूट की नीयत से वह वहाँ पर गया। पहले भी वहाँ पर चोरियाँ भी करता रहा था, लेकिन उस दिन महिला जाग गई थी। उसने जब जागी तो उसने इसको पहचान लिया। इसने इसको डर था कि कहीं महिला उसका राज ना उगल दे, इसलिए उसने उसको मार दिया। इसका खुलासा आज पुलिस कमिश्नर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह की ओर से किया गया है। इसके अलावा 5 बच्चे जो पिछले दिनों गायब हो गए थे अमृतसर से, इनमें एक की उम्र 15 साल और एक की 12 साल, एक की 13, एक की 14 और एक की 15 साल बताई जा रही है। उनका ये भी कहना है कि ये बच्चे आजकल जो हैं कि छोटी छोटी सी बात को लेकर नर्वस हो जाते हैं और घर से भाग गए थे। पुलिस की ओर से इन्हें तलाश कर लिया गया। एक थाना चयाटा में कत्ल हुआ था 5 मार्च को, उसके भी आरोपी गुरबख्श सिंह उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपने चाचा को ही गोली मार दी थी, वह जेल से आया था। ये इन सभी मामलों की जो खुलासा है अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह की ओर से किया है। उन्होंने ये भी बताया है जग्गू भगवानपुरिया को भी प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जाएगा या नहीं, इस पर हालांकि इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। बाकी जो VVIP स्लिपें दी गई थी जब लारेंस बिश्नोई यहाँ पर लाया गया था अदालत में पेश करने के लिए, इनका कहना था अभी चूक तो हुई है, आगे से इस बारे में ख्याल रखा जाएगा। आइए बताते हैं कि पुलिस कमिश्नर का इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहना है। कमिश्नरेट ऑफ अमृतसर की पुलिस टीम्स जिहदी अगवाई प्रभजोत सिंह जी ADCP सिटी 2 कर रहे थे, इन्हां दे नाल हलका जीओ ACP वैसट श्री गुरविंदर सिंह, नाल SHO कैंट इंस्पैक्टर राजविंदर कौर, इन्हां ने जो कामिनी देवी जी का मर्डर होया सीगा 12 जून 2022 नूं ग्वाल मंडी कैंट एरिया दे विच, उहनूं ट्रेस कर लिया है। उस लेडी नूं जिन्हें मारिया सीगा, मर्डर कीता सीगा, दीपक उर्फ काका सन ऑफ केवल कुमार जो कि उहदा ही गवांडी सीगा, उहनूं अरैसट कर लिया। तो उस दे कोलों जो चोरी दियां आइटम सीगियां जो उन्हें मर्डर करन तो बाद उत्थों चोरी कीती सीगी, 1 सैट सोना समेत जोड़ी कांटे, 1 चेन सोना, 1 जोड़ा वालियां वाला सोने का, वोटर कार्ड, बैंक दियां कॉपियां ते FDs रिकवर कर ली। तो बहुत दिनों तो इन्वेस्टिगेशन टीम जिस पर वर्क कर रही सी, जिस साड़ी CIA भी बड़ी एक्टिवली इनवॉल्व सी, इन्हों ये कामयाबी मिली है। तफ्तीश हले जा रही है ते होर भी प्राप्तियां होने की आस है। इसी तरह पिछले दिनों के अलग अलग जगह पर बच्चे जड़े है वो गायब हो गए सिगे, गुम गए सिगे। तो एज ए पॉलिसी कोई भी बच्चा ये मिसिंग होंदा है तो असी उहदा किडनैपिंग का परचा दर्ज करीदा। तो यह 5 बच्चे जड़े है रिकवर होए है। FIR 193 21 जून थाना मकबूलपुरा दे विच जिहड़ा बच्चा गवाचिया सीगा 15 साल का, इहदा नाम है वापस नहीं आया, किहड़ा सीगा इहदा बेटा नेम नहीं लिख रहा, मुद्दई का बच्चे का की नाम सीगा, गुरदीप सिंह सैकेंड सीगा 190/2022, ये भी मकबूलपुरे का, ये 12 साल का बच्चा सीगा। कुलवंत सिंह सन ऑफ दयाल सिंह, इन्होंने परचा दर्ज कराया सीगा क्योंकि ये भी बच्चा नहीं मिल रहा, ये भी वापस मिल गया हैगा। 2 बच्चे होर गए सीगे 14 ते 15 साल के मकबूलपुरे तो, ये भी रिकवर हो गया। इसी तरह मजीठा रोड थाने का 29 जून में 1 बच्चा 13 साल का घर हो गया, वापस नहीं आया सी, उहदे फादर ने FIR कराई सी। 1 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखा के उन्हें रिकवर करके पेरेंट्स को हैंडओवर करता। एक पुराना मर्डर केस सीगा थाना छियाटा का, FIR 42 5 मार्च 2022, जिस दे विच पहले 2 दोषी गिरफ्तार सीगे। पहले 1 दोषी गिरफ्तार सीगा लेडी सुखविंदर कौर, ते हुण जिहड़ा गुरबख्श सिंह उर्फ काला पुत्र हरजिंदर सिंह, इन्हां ने जिहड़ा मर्डर दे विच इनवॉल्व दोषी सीगा, इस ते पहलां भी अटैम्प्ट टू मर्डर ते लड़ाई झगड़िया दे परचे दर्ज है।
उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उसके को मोबाइल तो कुछ कैश रिकवर किया। तो पुलिस बड़ी मुस्तैदी ना अपनी ड्यूटी कर रही है, क्राइम नू असी रजिस्टर करीदा तो पूरी मेहनत करके उन्हें ट्रेस करीदा तो दोषियों सज़ा कराने के लिए एविडेंस फाइल तो लिया के उन्होंने चलान कर। जय देखो ये पॉलिसी है कि भी बच्चा मिसिंग होए या कोई उन्हें पकड़ के लै जाए जब तक वो रिकवर नहीं होंगे असं उस किडनैपिंग का ही परचा दें। तो मोस्टली ये बच्चे अपने आप ही घरों चले गए थे, उन्होंने एफर्ट करके ऑपरेशनल डिटेल्स मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि ये बच्चे खुद गए तो असी नॉर्मली जिते पहले बच्चा चल जाता सीगा उन्हें जगह आइडेंटिफाई करीदा, सीक्रेट सोर्सिस लगाई दे ते कॉमन प्लेसिस जिते जा सकता उत्थे सर्च करके या साडे खुफिया सोर्स होंगे वो सानू दस दे जी बच्चा इत्थे स्पॉट होया तो साडियां टीमां जाके उन्हें लभ लें। ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा को कोई मोबाइल भी नहीं होंगे तो टैक्निकली सानू हेल्प नहीं मिलती, तो ह्यूमन इंटैलीजेंस तो अपने इन्वेस्टिगेशन टैक्नीक्स के नाल असीं उन्हें सॉल्व करें। अलग अलग रीजन बच्चे मतलब अजकल बच्चों का मैंटल एज तो फिजिकल एज फर्क है, बच्चे मैंटली ज़्यादा मैच्योर हो जाते तो सेंसिटिव भी ज़्यादा होंगे इस करके वो करो कई बार चले जाते। ऐसा ही होया कि वो लेडी जिहड़ी है वो विडो सीगे ते 65 ईयर्स दे एज सीगा ते अपने घर च ही वो करियाने की दुकान ते पान शॉप टाइप चलांदे सीगे ते लोकैलिटी दे सारे उन्होंने भूआ कह के एड्रैस करते सी ते उन्होंने पता सीगा कि ये लेडी कल्ले ही हुंदे घर ते उन्हां दा एक रिलेटिव जिहड़ा है लड़का उन्हां कोल हुंदा सी ते साडे ध्यान च पहला भी आया कि भी जदों जांदा सी पहला भी एक दो वारी इत्थे ही चोरी हुई, इस बारी ये जड़ा क्यूज जो आया तो खड़ाके दे नाल लेडी उठ गई उन्हें रेकोगनाइज कर लिया तो बाय नेम जो पुकारिया तो वह घबरा गया तो उन्हें मर्डर करता तो नाल ही चोरी भी कर। नहीं उस लेडी नहीं सी लेडी गिरफ्तार की थी। लेडी अक्यूज्ड है बेसिकली गुरबख सिंह और लल्ला हैगा आ, ये बेसिकली काफ़ी है आम जग के परचे दर्जा 307 का दर्जा लड़ाइया झगड़ा करता आदि यदा चाचा जेल के बाहर आया इन्हें जो बाहर आया सीगा तो उन्होंने बाजार के गोली मार के मार दिता सी इस बंद वायलेंट क्राइम सीगा दोपहर वेले बिल्कुल बाजार के मर्डर होया सी इहो सीगा और इहदे विच बड़ी सफलता नाल साडे एसएचओ साहब ने जिहड़ा मुकदमा ठीक। हाँ इत्थे मैं दसना चाहवांगा कि कमिश्नरेट पुलिस च असी मोस्ट वॉन्टड जिहड़े साडे क्रिमिनल्स हैगे है सारे थाणियां ने अपनी अपनी लिस्ट तैयार करी हुई है तो उन्होंने अरेस्ट करने लिए पूरी यतन किए जा रहे हैं। इस दे नाल क्राइम पर कंट्रोल आया है, अगे भी असं ऐसे एफर्ट्स करते रहेंगे उसी ड्राइव के तहत यह जो अक्यूज अरेस्ट हो जग्गू भगवानपुरी का जो केस हैगा वो हाई कोर्ट के सब जुडाइस हैगा हाई कोर्ट वालों जिदा का ऑर्डर आएगा फिर असं उदा ही उस वॉन्टड है हाँ जो तो सानू अलाउ करेगी हाई कोर्ट असी लेके आवांगे पक्का लेके आवांगे। हाई कोर्ट एक केस दे विच हाई कोर्ट दा मैटर चल रहा पे है बाकी केसेस जो वांटेड ही है देखो जे मैं ही दस्या जेड़े केसेस दे विच रिक्वायर्ड होएगा असी एज पर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट उन्हें लेके आवांगे। इसे तुहाडे नूं प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया या नहीं उन्हें लिख सकदे हो? मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दसूंगा ठीक है जो तो आएगा फिर तुहानूं पता लग ही जाना। देखो उन्होंने साढ़े केस के वॉन्टड हैगा उन्होंने असं इतने लैके आए हैं अक्यूज इन आर केस वो तफ्तीश के लिए एस आई टी बनी हुई है, एस आई टी जी हले भी तफ्तीश कर रही है 8 दिन के रिमांड पर हैगा तो उस दौरान उन्होंने हर पहलू के बारे पूछगिछ की जाए। सर एक लालू बिश्नोई लिया गया वीवीआईपी स्टिकर दिए गए मामला विधानसभा भी उठा कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्होंने चुकया भी लालू बिश्नोई ग्लैमराइज किया जा रहा ग्लैमराइज बिल्कुल नहीं कर जा रहा
जो एक्यूज्ड है उसकी लाइफ की सिक्योरिटी दिया डायरेक्शन मानजोग अदालत वालों हुई हुई हैं। कोई पुलिस वाले की आर्ट दे विच, पुलिस वाले की वर्दी के आर्ट दे विच कोई गड़बड़ ना कर जाए इसलिए असी ड्यूटी स्लिप्स दित्तियां सीगियां। हाँ ये है कि भी प्रिंट जड़ियाँ उस वेले उही वालियां सीगियां क्योंकि पुलिस को नॉर्मली वीवीआईपी ड्यूटी दियाँ ही स्लिप्स होंगे, इस करके गलत इंप्रैशन चले गया। वो जिनी डिप्लॉयमेंट है वो सिक्योरिटी के लिए क्योंकि इतने काफ़ी सारे राइवल गैंग्स भी है तो बाकी सानू इनपुट से गया इसलिए असी सिक्योरिटी का ध्यान रखा। सर क्या कोई इनफॉरमेशन सी कि पुलिस की ड्रेस के छुड़ाया जा सकता है? नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर जिदा मैं दसदा हमेशा तो ये साडा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जदों भी साडी कोई ड्यूटी हुंदी है असीं बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उस चो एक यही है कि भी कोई क्योंकि नॉर्मली असीं पुलिस का ध्यान हुंदा है बाकी सारिआं ते, तो यूनिफॉर्म के जोड़ा भी है आइडेंटिफाइड होए वह एक साडा सिस्टम है। पर ऐसा कोई इनपुट सी तुहाडे नहीं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं सी, प्रिकॉशनरी मेजर। सर सुरक्षा एजेंसियां इनपुट दे रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टरों वालों छुड़ाया जा सकता, कोई इनू लेके कोई डीजीपी वालों या सरपंचां वालों कोई हिदायत आई है? ऐसा साडे जिहड़े इंतजाम है पूरे पुख्ता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो हुन अमृतसर पुलिस खरड़ साडे वालों सारे प्रिकॉशनरी मेजर ले जा रहे। तो सर हुन अमृतसर पुलिस खरड़ च जाके पूछताछ कर रही है उत्ते? मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया भी एसआईटी जिहड़ी है ऑलरेडी तफ्तीश कर रही है। और रिपोर्ट कदों तक देगी? वो रिपोर्ट जिहड़ी है वो फाइल ते हुंदी है या कोर्ट्स नूं दस्सी जांदी है, ऐसा नहीं मीडिया। थैंक यू।